सर, जो डेयरी सेक्टर है उसमें हिंदुस्तान काफ़ी बुलंदी पर पहुँचा हुआ है, दुनिया में नंबर एक है, लेकिन जो क्वालिटी सेक्टर है बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरा था, जो फंड हुआ है इसके आने से किस तरह की तस्वीर बदलेगी कोऑपरेटिव सेक्टर का? शेयर मिल्क प्रोसेसिंग पिछले कुछ सालों से गिर रहा था, हालांकि अभी भी 50% से ऊपर है, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर जो रिटर्न किसान को देता है वो काफ़ी अच्छा है, वनस्पत जो प्राइवेट ट्रेड से या प्राइवेट कंपनीज के वगैरह दे पाते हैं किसान, हो सकता है एक्सेप्शनल केस हों, प्राइवेट में भी जो अच्छा रिटर्न देते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी के सपने को डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम को साकार करना है तो मिल्क प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा और उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर का जोरदार योगदान हो सकता है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है कि एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटीज जितनी है उसको बढ़ाया जाए नए प्लांट्स के द्वारा, और जो पुराने प्लांट हो गए हैं, मशीन्स पुरानी हो गई हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो उनका मॉडर्नाइजेशन हो। इसके साथ साथ जो प्रोक्योरमेंट है, क्योंकि अभी भी हम 176-180 मिलियन टन का दूध पैदा करते हैं, लेकिन 25% के करीब ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेयरीज में आता है, तो ये भी हम बढ़ाएं, तो उसके लिए बल्क चिलिंग प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो उनके कलेक्शन पॉइंट्स हैं, टेस्टिंग लेबोरेटरीज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस सब के लिए जो धन की आवश्यकता थी कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए, कैपेसिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोसेसिंग मशीन्स इम्प्रूवमेंट के लिए, वो अपफ्रंट अवेलेबल हो जाएगी इस फंड के बनाने से। आज ये 8,000 करोड़ का फंड है, टोटल इन्वेस्टमेंट 10,800 से ज़्यादा है जो लगेगी, तो नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण और साथ साथ प्रोक्योरमेंट किसानों से, ताकि उसकी आमदनी, प्रोसेसिंग का जो हिस्सा है आमदनी होती है उसका हिस्सा किसान को भी जाए, ये एक योगदान है। और सर, ये जो है आपने सर्वे भी किया फार्मर्स से, किसी न किसी रूप में बीमारी उपस्थित रखते हैं, तो ये जो खासतौर पर जो आधुनिकीकरण या जो नई फसल प्लांट हो रहा है उसमें जो छोटा और जो मझोला जो पशु जो उत्पादक है उसको किस तरह से फायदा होगा, खासतौर पर जो है जो उसकी आय है? देखिए, 51% रूरल एरियाज में परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई दूध का पशु नहीं है, तो अगर हम इतने लार्ज सेगमेंट को 14 करोड़ किसान उसमें से 51% के पास ये है, तो एक सिंगल लार्जेस्ट एक्टिविटी हो सकती है कि हम नस्ल का सुधार भी करें और साथ साथ जो मिल्क आता है वो सीधा सिर्फ मिल्क के तौर पे ना बेचा जाए, उसकी वैल्यू एडिशन भी हो ताकि उसकी आय बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि अगर डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का जरिया करना है तो मैं समझता हूँ कि दुग्ध उत्पादन के द्वारा एक जोरदार प्रयास हो सकता है, और हम अभी भी हमारा बेस कम है पर फार्मर प्रोडक्शन, इसको बढ़ाने के साथ साथ और जो आमदनी होती है उसको बढ़ाने के दोनों आयाम इससे हासिल कर सकते हैं।